मोदी सरकार करेगी हर भारतीय की जासूसी, सरकार रखेगी आपकी हर हरकत पर नजर। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट हफ पोस्ट का बड़ा खुलासा, जासूसी का मास्टर प्लान। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट हफ पोस्ट इंडिया ने मोदी सरकार के बड़े प्लान का खुलासा किया है। हफ पोस्ट इंडिया ने 17 मार्च को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि मोदी सरकार एक ऐसा डेटाबेस तैयार कर रही है जिसके जरिए हर भारतीय की निगरानी की जा सकेगी। वेबसाइट ने कुछ खुफिया दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। हफ पोस्ट इंडिया के मुताबिक मोदी सरकार का ये प्लान अगर लागू होता है तो लोगों की हर गतिविधि पर सरकार सीधी नजर रख सकेगी। आप किस शहर में गए, कहां नौकरी बदली, कहां नई प्रॉपर्टी खरीदी, घर में कोई बच्चा पैदा हुआ या किसी की मौत हुई, आपने शादी की या नहीं, आप किसी के घर रहने चले गए, ये हर जानकारी सरकार की टेबल पर होगी। वेबसाइट के मुताबिक इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। 4 अक्टूबर 2019 को एक मीटिंग में नीति आयोग के स्पेशल सेक्रेटरी ने तो हर घर की जियो टैगिंग करने और उसे इसरो की ओर से विकसित किए गए जियो स्पेटल पोर्टल भुवन से जोड़ने तक की सलाह दी थी। हफ पोस्ट इंडिया के मुताबिक आरटीआई के जरिए श्रीनिवास कोडाली ने जो दस्तावेज हासिल किए हैं उससे खुलासा हुआ है कि सोशल रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए आधार से हर नागरिक के नाम, जाति, धर्म, इनकम, प्रॉपर्टी, शिक्षा, शादी हुई या नहीं, नौकरी और फैमिली ट्री जैसी जानकारी जुटाई जा सकेंगी। इन कागजों से पता चलता है कि सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले बीपीएल परिवारों की जानकारी ही नहीं बल्कि हर भारतीय की जानकारी डेटाबेस से निकाली जा सकेगी। मोदी सरकार ने सिर्फ ऐसा सोचा नहीं है बल्कि वो इसके लिए काम भी कर रही है। वेबसाइट के मुताबिक 2021 से सोशल रजिस्ट्री को लागू करने के लिए सरकार ने बाकायदा विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की फाइनल स्टेज पर है। इस कमेटी ने आधार एक्ट में बदलाव करने का सुझाव दिया है। दरअसल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार में दर्ज बायोमेट्रिक और दूसरी सूचनाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए प्राइवेसी यानी निजता को मौलिक अधिकार बताया था, लेकिन मोदी सरकार अब कानून में संशोधन करके आपकी प्राइवेसी को खत्म करने की तैयारी कर रही है। यानी जिस आधार कार्ड को आप अपनी पहचान का दस्तावेज मानते हैं अब वही आपकी जासूसी का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। इन दस्तावेजों में ये भी लिखा है कि वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए 17 जून 2019 को $2 मिलियन की ग्रांट देने का भरोसा दिया है। यानी जल्द ही सोशल रजिस्ट्री को लागू किया जा सकता है। सरकार की इस नीति पर कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। लोग कह रहे हैं कि इससे सरकार नागरिकों की जानकारी का दुरुपयोग भी कर सकती है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा, फिर एक व्यक्ति के रूप में मेरी गोपनीयता और गरिमा क्या बची है। वास्तव में लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि सरकार किस तरह की है, दूसरे तरीके से नहीं। सोशल रजिस्ट्री के साथ साथ मोदी सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल पर भी काम कर रही है। इस बिल में भी आपकी जानकारी तक सरकारी पहुंच का इंतजाम किया जा रहा है। आरोप है कि इस तरह के कार्यक्रमों से न सिर्फ नागरिकों की निजता भंग होगी बल्कि इससे डेटा ब्रीच का खतरा भी बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। जरूरी सूचना, द शूद्र के सभी दर्शकों से अपील है कि आप हमारे नए YouTube चैनल द रिपोर्ट इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि द शूद्र को बंद करने के लिए मनुवादी साजिश रच रहे हैं। द रिपोर्ट इंडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।